ब्रायन तो हमारा सबसे छोटा भाई था, उसके तो बढ़िया हो गई थी छोटे पर, मतलब उस समय तो 20-22 साल का ही था, तभी बढ़िया हो गई थी क्योंकि चुपके से जाता था नहाने और ढीले ही कपड़े पहने रहता था, क्योंकि घर में किसी को बताना नहीं है, ढीले ही कपड़े पहन के आता था, जब तक सूख ना जाते थे गठिया सारा उसे ही उसका वो दो साल पहले ये बता तुम कोयल हो या कौवा हो, हमने कहा क्यों किस बात के लिए, तुमको कहानी मालूम है ना, मैंने कहा कहानी तुमको मालूम है, कहती थी कहानी ये थी कोयल जो थी ना, नहीं कोयल जो थी चुरा के अंडे ले जाती थी, कौवा अंडे देता था, और कोयल जो थी क्या करती थी, नहीं कोयल अपने अंडे छिपा देती है, नहीं कोयल अपने अंडे कभी नहीं सेती है, सेती नहीं कौवे के पास डाल आती है, कौवा जो बेवकूफ तो कौवा उसको सेता है सब करता है, बाद में जब वो नहीं आर्या के संदर्भ में नहीं तुम आर्या को मैंने पाला चाला किया, तो ये नहीं होता ही था कि जब अंडे निकलते थे तो वो कौवा एक्सपेक्ट करता था कि काम काम करेंगे और नर सुरीली आवाज निकलते तब पता चलता था ये कोयल के अंडे, तो किरण जी हमसे कहते थे कोयल के बच्चे हैं, एक आदमी ने कि तुम कोयल हो सारे अंडे मेरे चुरा ले जाते हैं, इनके बच्चे सब रीता जी के बच्चे और सबके बच्चे दीप्ति शिफाली सारे डीसी में इकट्ठे हैं, तो कहते पहले तुम ये बता तुम कौवा हो कि कोयल नहीं, सामने हम लोग तुम कोयल नहीं हो, तुम कौवा हो पाल रही हो, हम तो कौवा अच्छा काम जो भी कर रहे हो कोयल बच्चे बोलते हैं पता चलता ना कि वो कौवा सोचता था काम काम करते हैं काम काम करते हुए निकलते हैं, तुम देख से ये कसर आएगा तुम देखो भैया ये YouTube पे पोस्ट करता है, इधर देखो ऊपर YouTube में पोस्ट नहीं करना, नो YouTube चलो हाँ एक भजन और नहीं रहे हाँ एक एक चीज भजन की तो तुमको एक बार अभी हमारे 3 महीने पहले हमारे डाली खत्म हुआ, तो डाली जो खत्म हुआ तो उसको मिसी उसको पीछे जब मैं लॉर्ड के काम से आई उस दिन मतलब उसने जैसे परमिशन मांगी कि हमसे कि अब मैं क्या करूँ, तो मैं जा रही थी तो मैंने उससे कहा भी तो उसे स्टैंड फॉर यू टू वर्क हो, उस रात मैं लौटी तो मर गई थी प्यार हाँ, तो सुबह सुबह मैंने पड़ोसी को अपने फ़ोन किया, मैं कर जब आदमी उनके लिए था तो उसने गा दिया उसको पीछे बैठा, दूसरे दिन सुबह कम से कम 50 गौरैया अरे उसी ड्रेप पे बैठे अरे ड्रेप पे बैठी हुई कम से कम भरा हुआ, अरे मैं सुबह उठी तो सुबह के दूसरे दिन की बात है, ये सुबह उठी तो कर रही थी वो गई वो स्मेल सेंस कर लेते हैं, अरे सेंस ये नहीं कर पा रही थी गौरैयों को सेंस कर सकती, ये तो इसको तो बस ये था कि इसने ही हमको पहले तुरंत दिखाया आके भागती हुई आई बाहर, मैंने जैसे गैराज खोला भागती मेरे गैराज के पास आई मुझको लेके गई कि देखो क्या होती है, तो दो तीन दिन तक ये ढूंढती रही, लेकिन दूसरे दिन सुबह कम से कम 20 या 25 गौरैया बिल्कुल भरा पड़ा उसके ऊपर, सोचा कि कहीं जब मैं उठी ना मैंने सोचा कि ये चली गई है और उसने उसको खोद खाद के बाहर निकाल दिया सारी, इतनी सारी थी इतनी गौरैया नहीं वो अफसोस कर ले आई थी, हाँ वही मैं तो सोची कि इसने खोद दिया कि उसको सारा है खोद के निकाल के, तो जैसे मांस तो होता ही है वो खाने आ गई, तो मैंने पहले तो इसको डांट लगाई तो बेचारी इसको बेमतलब को डांट पड़ी, जब मैं बाहर निकली तो मुझे तो कुछ नहीं बन सर बिल्कुल से उम्मीद कि नेचर का कितना बड़ा वो है कि उसको ये तो जैसे चिड़ियों को भगाती है खाना खाने आती है इसका वो कुछ नहीं कहती थी चिड़ियों इसलिए वो तो आराम से खाना खाना तुम कहो मम्मी कुछ ये तो भगाती है उससे तो काफ़ी बड़ी होती है। हमने दो गैया यहाँ पाली थी गौशाला में,
तो जो बड़ी गायत्री उसका नाम था लीला, वो मरिकोपा में, तो बड़ी गाय का नाम था लीला, वो करीब 4 साल की थी, तो गुजर गई पहली जून को। उसको किसी ने चावल खिला दिया पका हुआ, तो यहाँ पर जहर माना जाता है, यहाँ से जो जानवर है ये पका अन्य चावल नहीं पका सकते, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई और वो 3 या 4 दिन में वो ख़त्म हो गई। तो जब वो ख़त्म हो गई तो उसकी जो बच्ची है उसका नाम है लैला, तो लैला उस समय करीब 6 महीने की थी। तो जब हम लोग उसको दफनाने के लिए ले गए तो ट्रैक्टर ने उसको उठाया, क्योंकि बहुत भारी थी ना, तो ट्रैक्टर उठा कर तो उसको धीरे से ले जा कर के गड्ढा बहुत बड़ा खोदा था, 30 टन मिट्टी उस गड्ढे से निकाली थी। तो जैसे ही ट्रैक्टर ने चलना शुरू किया, उसकी बच्ची जो कि दूसरी जगह थी जिसका नाम है लैला, इतने कस के उसने विलाप किया है, तो हम लोग देख रहे थे एक दूसरे को कि इसको पता कैसे लगा कि इसकी माँ इस समय अंत समय में जा रही है। तो उसको दफना वो लगातार नहीं, ये जो स्लॉट होता मंदिरों में तो बकरे को कटने से पहले कैसे पता चल जाता कि अब नहीं, वो तो पता है नहीं, वो तो क्यों ये इसलिए तो इंस्टिंक्ट होते हैं ना, इंस्टिंक्ट नहीं नहीं अभी अर्थक्वेक आया उसमें जानवरों को डीसी में